हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। आप देख रहे हैं मेरे चैनल सुपर शिवानी। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा बेस, वो भी अपने ओवन में। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए इस पिज़्ज़ा बेस को मैंने इसे बनाया है मॉर्फी रिचर्ड्स माइक्रोवेव में, वो भी बहुत ही कम समय में। तो इस पिज़्ज़ा बेस को बेक करने के लिए आपको इस ओवन में कौन सी सेटिंग लगानी है, चलिए इसे हम देख लेते हैं। 1 कप ल्यूक वार्म वाटर लेंगे आप, यानी कि आपका यहाँ पर वाटर जो है बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। आपको इस वाटर के टेम्परेचर को माइंड में रखना है। इस ल्यूक वार्म वाटर से हमारी ईस्ट बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाती है, इसलिए इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो अब हम इसमें शुगर और ईस्ट मिक्स करेंगे, और इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर लिया है, जिसे हम इसमें ऐड करेंगे। आप इसकी जगह पर नॉर्मल शुगर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाती है पाउडर शुगर, इसलिए मैं यहाँ पर पाउडर शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसे ऐड कर लेंगे, और अब मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून ईस्ट ऐड करूंगी। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है ये ईस्ट, आप जिस भी ब्रांड का लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो इसकी क्वांटिटी आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून शुगर ऐड किया है, तो यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर हम एक्टिवेटेड ईस्ट ऐड करेंगे। तो इसे ऐड कर लेते हैं और इसे हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये 10 मिनट के अंदर ही हमारी ईस्ट यहाँ पर एक्टिवेटेड हो जाती है। ये ईस्ट अलग अलग ब्रांड्स की आती है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये ईस्ट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है, और अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से क्लिक करके इसे परचेज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इस ईस्ट में हल्के हल्के ऊपर बबल्स आने लगे हैं। इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें अच्छे से बबल आ जाए, फिर उसके बाद इसके हम डो बनाएंगे। तो इसे रख देते हैं, और अब हम यहाँ पर एक बोल में एक यहाँ पर स्टेनर रखेंगे, जिसमें हम इसका डो प्रिपेयर करेंगे। और इसमें हम डालेंगे करीब 1.5 कप ऑल पर्पस फ्लावर, और इसके साथ ही हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून डालेंगे मिल्क पाउडर। इससे हमारा जो डो है वो बहुत ही अच्छा बनता है, तो इसमें मैं ऐड कर लूंगी। इस मिल्क पाउडर से हल्की सी मिठास आ जाती है हमारे डो में। इसके बाद हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसके, और 1/4 टीस्पून हम डालेंगे यहाँ पर बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। यहाँ पर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड करने से हमारा डो जो है बहुत ही अच्छा बनता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसे ऐड किया है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से स्टेन कर लेंगे, और ये हो गया। अब हम इसे साइड कर लेंगे, और एक बार इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैं ऐड करूँगी यहाँ पर इटालियन सीजनिंग, यानी कि पिज़्ज़ा सीजनिंग, जो पिज़्ज़ा मसाला होता है उसे हम इसमें ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, ऊपर से इसे ऐड कर सकते हैं, या फिर आप डो में भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। और 1/2 टीस्पून हम डालेंगे यहाँ पर नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पर ज़्यादा सॉल्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे, और आप देख सकते हैं हमारी जो ईस्ट है वो कितनी अच्छे से यहाँ पर एक्टिवेट हो गई है 10 मिनट्स के अंदर ही। अब हम इसे जल्दी से अपना डो प्रिपेयर कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह ये हो जाती है एक्टिवेट होने के बाद। और अब हम इसे इसमें ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे, और एक बार इसे मिक्स करने से पहले इसे हम अच्छे से चला लेंगे और इसे इसमें ऐड कर लेंगे और मिक्स करेंगे इसे, और ऐड करेंगे यहाँ पर इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। और अब हमने साफ हाथों से इसे अच्छे से नीट करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। आप इसकी जगह पर कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो आप इसे ऐड करें। तो इसे ऐड कर लेंगे ताकि हमारा डो जो है बिल्कुल चिकना हो जाए। और अब हम इस डो को करीब 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से नीट कर लेंगे ताकि डो हमारा बिल्कुल चिकना हो जाए। इसे आपको ऐसे नीट करना है। और आप देख सकते हैं मैंने इस डो को 3 से 4 मिनट अच्छे से इसे नीट कर लिया है, और आपको भी ऐसे ही इस डो को ऐसे चिकना कर लेना है। इसे हम बार बार फोल्ड कर लेंगे ऐसे, इसे हम ऐसे चिकना कर लेंगे, और ये हमारा डो यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। और अब हम इस बोल में इसे सेंटर पर रख देंगे, और इसे हम कवर कर लेंगे। कवर करने के लिए आप नॉर्मल प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर ये क्लीन रैप है तो आप इससे इसे कवर कर सकते हैं, जैसे कि मैं करने जा रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह भी आप इसे
कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास ये क्लीन रैप है तो इस तरीके से इसे कवर कर लेंगे आप। अब हम इस डो को किसी गर्म जगह पर 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे, जब तक ये अच्छे से फर्मेंट नहीं हो जाता है। फिर उसके बाद इसे हम चेक करेंगे। ये डो डबल साइज से भी ज्यादा हो जाता है फर्मेंट होने के बाद, इसकी यही पहचान होती है। तो इसे हम ऐसे ही रख देंगे। आप देख सकते हैं हमारा डो यहाँ पर कितने अच्छे से फूल गया है। इसके क्लीन रैप को हम निकाल देते हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं साइड से कितने अच्छे से फूला हुआ है ये। इसे हम यहाँ पर एक पंच मार के देखते हैं। बहुत ही लाइट और बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है ये डो, आप देख सकते हैं। और अब मैं इस बोल को साइड कर दूंगी। जहाँ पर भी हमें इसे बेलना है, थोड़ा सा हम मैदा स्प्रिंकल कर देंगे, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर जो हमने जिससे डो को प्रिपेयर किया था उसे इस पर यहाँ पर स्प्रिंकल कर लेंगे। और इस मैदा को इसके ऊपर अच्छे से लगा लेंगे हम। इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और अब हम इस डो को 4 पोर्शन में कट कर लेंगे। इसे अलग कर लेंगे और इसे हम ऐसे गोल कर लेंगे। और यहां पर हम 1 पोर्शन को लेंगे और इसे हम पिज्ज़ा के शेप में गोल गोल कर लेंगे। इसमें अच्छे से हम मैदा लगा लेंगे पहले। इसे ऐसे ऐसे रोल करते जाएंगे और फैलाते जाएंगे। आप चाहे तो इस प्रोसेस को रोलर पिन से भी कर सकते हैं, इससे भी बहुत ही आसानी से ये रोल हो जाता है। आप यहाँ पर बड़े साइज़ का इसे बनाना चाहते हैं तो बड़ा बना सकते हैं, या फिर इसे आप छोटा भी बना सकते हैं। मैं इसे मीडियम साइज़ यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने इसे यहाँ पर रोल कर लिया है। और अब हम यहाँ पर एक बेकिंग डिश ले लेंगे जो ओवन के साथ मिलती है। मैं यहाँ पर उसी बेकिंग डिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब यहाँ पर 2 ड्रॉप्स हम ऑयल अप्लाई करेंगे। अच्छे से इस बेकिंग डिश को हम ग्रीस कर लेंगे। और मैंने यहाँ इसमें अच्छे से ऑयल को अप्लाई कर दिया है। और अब हमने जो पिज़्ज़ा बेस बनाया है उसे इसमें रख लेंगे। और अब हम इसके कॉर्नर्स को हल्का सा प्रेस कर देंगे चारों तरफ से। अब आप चाहें तो इसे यहाँ पर फॉर्क से पिक कर सकते हैं, लेकिन मेरे केस में मैं इसे पिक नहीं कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको पिज़्ज़ा बेस की रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर दी है जिसमें मैंने इसे पिक करके बताया था। आज मैं इसे बिना पिक किए हुए इसे मैं ओवन में डालने जा रही हूँ। देखते हैं कैसा हमारा पिज़्ज़ा बेस यहाँ पर बनता है। मुझे थोड़ा सा यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस थोड़ा फूला हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है ब्रेड जैसा। तो मैं इसे बिना पिक किए हुए इसे बेक कर रही हूँ। अगर आप इसे पिक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसे आपको प्री हीट कैसे करना है मैं आपको फिर से बता देती हूँ। वैसे मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दिया है कि आपको इस ओवन को प्रीहीट कैसे करना है। तो सबसे पहले इसे प्रीहीट करने के लिए आपको यहाँ पर जो बटन दिख रहा है ग्रिल प्लस कन्वेक्शन का, इसे आपको एक बार प्रेस करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कन्वेक्शन लिखकर आने लगा है। फिर उसके बाद आप जिस भी टेम्परेचर पर आपको यहाँ पर बेकिंग करनी है उसी के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर प्रीहीट यहाँ पर सेट करेंगे। आपको मुझे यहाँ पर 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर को प्रीहीट करना है, तो यहाँ पर मैं प्रीहीट नंबर 5 दबा दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर आने लगा है। तो जैसे ही हम स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि प्रीहीट होना शुरू हो जाएगा। मैंने स्टार्ट बटन प्रेस करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं ये टाइमिंग आने लगी है डिस्प्ले में। और जैसे ही आपका ओवन यहाँ पर प्रीहीट हो जाएगा ये अपने आप ही टेम्परेचर 0 हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद आप वापस कन्वेक्शन बटन से अपना टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड और टाइमिंग आप यहाँ पर सेट करेंगे तो आपकी बाकी सारी चीज़ें जो भी आप बेक करना चाहते हैं जिस टेम्परेचर पर वो बेक होना शुरू हो जाएंगी। बस प्रीहीट और टेम्परेचर सेट करने में इतना अंतर है कि आपको यहाँ पर टाइमिंग नहीं सेट करनी है। जैसे कि प्रीहीट में आपको टाइमिंग नहीं लगानी है। और अगर आप कुकिंग कर रहे हैं आपको मालूम है कि कितने टेम्परेचर पर हमारी चीज़ें पक जाएंगी, तो उस समय आपको यहाँ पर टाइम सेलेक्ट करना होता है। तो यानी कि प्रीहीट आप अपने ओवन को कर लेंगे। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं डिस्प्ले में यहाँ पर PPRE लिख कर आ रहा है। और अब मैं इसे प्रीहीट कर लेती हूँ।
अगर आप माइक्रोवेव मोड पर कुकिंग करना चाहते हैं, माइक्रोवेव मोड पर कुकिंग करते हैं, तो आपको अपने ओवन को प्री हीट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि माइक्रोवेव मोड बहुत ही क्विक होता है, आपके चीजों को बहुत ही जल्दी पका देता है। इसमें आपके ओवन के गर्म होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप कन्वेक्शन या ग्रिल मोड पर कोई भी चीज को बेक करते हैं, तो आपके ओवन को प्री हीट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप ओवन में अपने चीजों को डालेंगे तो ग्रिल रॉड, जो कन्वेक्शन के फीचर्स, फैन वैन है, वो अच्छे से प्रोसेस करने लग जाते हैं, और जैसे ही आप अपना फूड अंदर डालेंगे वो अंदर से कुक होने लग जाता है, यानी कि प्रोसेस तेज हो जाती है। तो आप समझ ही गए होंगे, आपको माइक्रोवेव मोड पर प्री हीट नहीं करना है, केवल कन्वेक्शन और ग्रिल मोड पर ही आपको यहाँ पर प्री हीट करना है। तो मुझे आज यहाँ पर कन्वेक्शन मोड पर कुक करना है, इसलिए मैं इस ओवन को प्री हीट कर रही हूँ। इसे हम प्री हीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बाकी सारी टेम्परेचर की सेटिंग आपको बताऊंगी। और हमारा ओवन यहाँ पर अच्छे से प्री हीट हो चुका है, तो इस पिज्जा बेस को हम इस ओवन के अंदर रख देते हैं। डोर को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, और बाकी सारी सेटिंग्स लगाने के लिए हम यहाँ पर ग्रिल प्लस कन्वेक्शन बटन को एक बार प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद नंबर 5 प्रेस करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 150 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पर सेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं डिस्प्ले में यहाँ पर 150 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आ रहा है। तो अब हमें इसे 5 मिनट इसे बेक करना है, तो अब हम इसे यहाँ पर 5 मिनट का टाइम सेट करेंगे। और ये देखिए 5 मिनट का मैंने यहाँ पर टाइम सेट कर दिया है, और जैसे ही हम यहाँ पर स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे हमारी कुकिंग प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो इसे स्टार्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पर इस सेटिंग को ऑटो कुक मेन्यू बटन कॉन्टिनेंटल बटन से भी सेट कर सकते हैं, जिसका कोड है CO02, जिसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको कैसे सेट करना है। तो उससे भी आप पिज्ज़ा या गार्लिक ब्रेड को बेक कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा पिज्ज़ा बेस जो है अच्छे से बेक हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आप इसे फॉर्क से प्रिक करते हैं तो ये ऐसे फूलेगा नहीं, थोड़ा टार्ट की तरीके वो बनेगा। तो चॉइस इज योर्स, आप जैसे भी चाहें इसे बना सकते हैं। इसको कुक करने के बाद ही आप इसकी टॉपिंग करें, जिस भी चीज़ का आप पिज्ज़ा खाना चाहते हैं, ऑनियन पिज्ज़ा, कैप्सिकम पिज्ज़ा, चीज़ पिज्ज़ा, जो भी पिज्ज़ा आप खाना चाहते हैं आप उसकी टॉपिंग करें। फिर उसके बाद यहाँ पर कॉन्टिनेंटल 02 वाले बटन को प्रेस करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप इसे कुक कर लें, आपका पिज्जा बहुत ही अच्छे से बेक होगा। इसे बाहर कर लेते हैं। अब आप चाहें तो इसे फॉर्क से भी डिजाइन बना सकते हैं इसमें। और ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा पिज्जा बेस यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपके पास किसी दूसरे ब्रांड का माइक्रोवेव है, तो आप अपने ओवन को 180 डिग्री पर प्री हीट करने के बाद आप 180 डिग्री में इसे 4 से 5 मिनट के लिए इसे आप बेक कर लें, फिर उसके बाद आप इसे ओवन से बाहर निकाल लें। और अगर तब भी लगे कि आपका ये बेस थोड़ा कच्चा है नीचे से, तो आप इसे 1 से 2 मिनट और बेक कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्फी रिचर्ड्स में ग्रिल प्लस कन्वेक्शन मोड साथ में दिया हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पर टेम्परेचर 180 डिग्री की बजाय यहाँ पर 150 डिग्री सेलेक्ट करना पड़ता है, ताकि ग्रिल रॉड से इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा ना होने पाए और हमारा फूड जो है अच्छे से बेक हो जाए। तो इस चीज को आपको माइंड में रखना है इस मोड में कुक करने के दौरान। अगर आप इसे केवल कन्वेक्शन मोड पर बना रहे हैं, तो आप इसे 180 डिग्री पर बेक करें, इससे आपका पिज्जा बेस बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। अगर आपके पास सेम ब्रांड का यानी कि मॉर्फी रिचर्ड्स का माइक्रोवेव है, तो आपको इस ओवन को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको इसको प्री हीट करना होगा, फिर उसके बाद आपको 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको 4 से 5 मिनट इसे आपको बेक करना होगा। और भी रेसिपी है जो मॉर्फी रिचर्ड से रिलेटेड, मैंने बहुत सारी रेसिपी अपलोड की हुई है, आप एक एक करके उन्हें चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन लेकर जरूर आऊंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक बात जो आपको ध्यान रखना है इस पिज्जा बेस को कुक करते समय, वो ये है कि आपको इसे बेक करते समय ऑयल या बटर कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपका पिज्जा बेस कुक होने से पहले ही ऊपर से इसका क्रस्ट जो है वो ब्राउन हो जाएगा। और आप ऐसे ही पिज्जा बेस को प्रिपेयर कर सकते हैं, फिर उसके बाद इसकी टॉपिंग करें। और इसकी टॉपिंग का वीडियो ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है, आपको कैसे इसकी टॉपिंग करनी है और कैसे इसे बेक करना है, इसका वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आप चाहें तो इस पिज्जा बेस को क्लीन रैप में रैप करके रख सकते हैं, और जब भी आपको पिज्जा बनाना हो तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपका पिज्जा बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो है ना ये कमाल की टिप, तो आप इसे जरूर फॉलो करें। और इसके बेक होने के बाद
बाद ही आप इसकी टॉपिंग करेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, और अगर आप साथ साथ टॉपिंग करेंगे तो शायद आपका पिज़्ज़ा बेस कच्चा भी हो सकता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी यहाँ पे कि आप अपने पिज़्ज़ा बेस को पहले ही 4 से 5 मिनट में बेक कर लें, फिर उसके बाद आप इसकी टॉपिंग करके उसके बाद आप इसे सर्व करें। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके काम का होगा, और अगर आपके काम का हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।